चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों बिहार स्टेट कोटा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसकी वेबसाइट बी सी ई सी बोर्ड डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जैसे ही हम इंटर करेंगे यहां यू जी एम बी सी का ऑप्शन मिलेगा हमें यहाँ पर जैसे ही नोटिस को डाउनलोड करेंगे इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म मेडिकल डेंटल और वेटनरी कोर्सेज के लिए हैं जिन स्टूडेंट को मेडिकल में एडमिशन लेना है यानी एमबीबीएस में बीडीएस में या फिर बीवीएससी एंड एएच कोर्स में एडमिशन लेना है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा स्टेट कोटा के लिए तो इसमें कौन कौन से कॉलेज के लिए ये एडमिशन हो रहे हैं तो इसमें जो गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज हैं वो टोटल इलेवन मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट की इनमें इस बार जो नया एड हुआ है वो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है पटना का और इसमें डेंटल पटना है एक और बिहार वेटनरी कॉलेज पटना का है तो इस प्रकार से ये गवर्नमेंट बीडीएस की और वेटनरी की कॉलेज हैं और इसमें जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो प्राइवेट कॉलेज आठ प्राइवेट कॉलेज हैं और इसमें चार डेंटल की प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं तो इसमें ये इसमें नाम दिए गए हैं कॉलेजों के तो वो आप इसमें देख सकते हैं अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है स्टेप बाई स्टेप फिल करना है फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है सेकेंड स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है थर्ड स्टेप में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है फोर्थ स्टेप में एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और फिफ्थ स्टेज में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू ले लेना है आपने फिफ्थ uh, स्टेज में सिक्स स्टेज में पेमेंट करना है काउंसलिंग फ़ीस का जो ये काउंसलिंग फीस रहेगी वो यू आर कैटेगरी बी सी कैटेगरी ई बी सी कैटेगरी के लिए सिक्स हंड्रेड रुपीज़ रहेगी सॉरी uh, इनके लिए वन uh, थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ रहेगी और इसमें जो बाकी कैटेगरी एस सी एस टी डी क्यू कैटेगरी है उनके लिए सिक्स हंड्रेड रुपीज रहेगी ये फीस इसके बाद में नेक्स्ट में आपने डाउनलोड करना है पार्ट ए और बी को तो इस प्रकार से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं बिहार स्टेट में फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग होती है उसके बाद में सेकंड राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और फ्रेश चॉइस फिलिंग भी नहीं होती है जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल किया है उसी के बेस पर सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होता है तो ये आप इसमें कंडीशन देख सकते हैं इसके बाद में इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे उनकी लिस्ट दे रखी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम में ज़रूरत होगी इसमें नीट एडमिट कार्ड और इसके अलावा स्कोर कार्ड ए, टेंथ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसके बाद में टेन प्लस टू की मार्कशीट सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ए, इसके अलावा छह आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ चाहिए जो आपने नीट के टाइम में अपलोड की थी इसके अलावा जो है आप जो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ले हैं उसका पार्ट वन आ, पार्ट ए और पार्ट बी का प्रिंट आउट होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए और अगर आपके पास में डी क्यू पी एच एस एम क्यू या ई एस कैटेगरी से आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी तो ये इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है मैं यहाँ पर बता दूँ कि बिहार एक ओपन स्टेट है यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं और इसमें यहाँ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं तो इसके बाद में हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट देखें स्टार्टिंग डेट है वो 16 जनवरी 22 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट रहेगी 22 जनवरी 22 इसके बाद में एडिटिंग कर सकते हैं हाँ, आप 23 जनवरी 22 तक अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो इसके बाद में रेंक कार्ड मेरिट लिस्ट इसके बाद में आगे का जो प्रपोज्ड प्रोग्राम है चॉइस फिलिंग कब होगी रिपोर्टिंग कब होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होंगे एडमिशन की डेट क्या होगी ये रिलीज़ किया जाएगा 24 जनवरी 22 को आगे का शेड्यूल रिलीज़ किया जाएगा तो इस प्रकार से आप बिहार स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो ओपन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अभी इनका इस साल का फीस स्ट्रक्चर आया नहीं है जैसे ही बिहार स्टेट का फीस स्ट्रक्चर व अदर कंडीशन आएंगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद